Hi everyone, this is Brijesh Singh. Welcome to my YouTube channel. जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में भी देख लेना, कुछ एडिशनल वीडियो भी है, मतलब हो सकता है आपको काम आ जाए वो. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. एवरेज रेट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आज हम लोग एवरेज रेट के ऊपर फोर्थ वैरायटी करेंगे, जहां पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ऑर्डिनरी सिस्टम से कैसे निकालते हैं, और सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज रेट के थ्रू कैसे निकालते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. द पार्टनर ऑफ द फर्म, जरा ध्यान देना क्या बोल रहे हैं सर. द पार्टनर ऑफ द फर्म ड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म इन द ईयर एंडेड 31st मार्च. ये ईयर एंडेड बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट. अगर पैसा बाहर वाले से लेंगे तो एग्जाम्पल, अगर पार्टनर पैसा बैंक से लेते हैं, आउटसाइडर से लेते हैं, तो लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. सिमिलरली इफ पार्टनर इज मेकिंग ड्रॉइंग फ्रॉम द फर्म, फर्म विल ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट. द पार्टनर द फर्म ड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015. इसका मतलब होता है जितना भी पार्टनर ड्रॉइंग करेंगे पूरा का पूरा पैसा एज्यूम करते हैं 31st मार्च को सेटल कर देंगे. अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 6 मंथ का, तो एज्यूम करने का पूरा पैसा पार्टनर 6 मंथ को सेटल करने वाला है. अभी यहाँ पे ईयर एंडेड दिया, मतलब पूरा साल भर में पार्टनर ड्रॉइंग करेंगे और उसका सेटलमेंट कब करेंगे, 31st मार्च 2015 को, अलोंग विथ इंटरेस्ट. हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 31st मार्च 2015. तो पार्टनर ने चार बार ड्रॉइंग किया, एक ड्रॉइंग किया है 12th जून 2014 को 1000 रूपीज, 11th अगस्त 2014 को 500 रूपीज, 9th फेब 2015 को 400 रूपीज, 7th मार्च 2015 को 900 रूपीज. अब फॉर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग. फॉर्म का डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज चार्ज ऑन द ड्रॉइंग. कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय, दो तरीके से आपको सिखाऊंगा आज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने को, एक ऑर्डिनरी सिस्टम से, दूसरा एडीडी के थ्रू. एज्यूम करना 1 ईयर = 365 डेज. ओके, ए पहला सिखा रहा हूं ऑर्डिनरी सिस्टम से. ऑर्डिनरी सिस्टम, अब ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होता है, एकदम इजी. ऑर्डिनरी सिस्टम में अगर पार्टनर ने 12th जून को 1000 विड्रॉ किया है और आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 31st मार्च 2015 तक, तो बस सीधा सीधा सोचना है 12th जून से लेके 31st मार्च तक का दिन गिनना है आपको और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट निकालेंगे. जैसे कि ध्यान देना, एक ड्रॉइंग किया 12th जून 2014 को, नेक्स्ट ड्रॉइंग किया 11th अगस्त 2014 को, थर्ड ड्रॉइंग किया 9th फेब 2015 को, नेक्स्ट ड्रॉइंग किया 7th मार्च 2015 को. ओके, पर हम लोग डेज लिख लेते हैं सबका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च. ठीक है, या डेज वाले लिख देता हूँ कैलकुलेशन के लिए, आपको इजी गिरेगा. अप्रैल में 30, जून में 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जैन में 31, फेब में 28, मार्च में 31. ओके, अब चलो पहले का गिन के दिखाता हूँ डेज. पहला वाला ड्राइंग कब किया देखो जरा. फर्स्ट ड्राइंग किया है 12th जून 2014 को, 1000 रूपीज विड्रॉ किया, तो 12th जून से उसका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 12th जून 2014 से. तो ध्यान देना कैसे गिनते दिन, 12th जून से, तो फर्स्ट वाला जून से विड्रॉ किया, तो बताओ जून से विड्रॉ किया तो 12 तारीख को नहीं गिनेंगे, क्योंकि उसी दिन विड्रॉ किया तो उस दिन सवेरे भी हो सकता है, शाम भी हो सकता है, तो वो दिन हम नहीं गिनेंगे. तो फर्स्ट वर्किंग दिखा रहा हूँ, ये रहा जून, जून में होता है 30, जून में 30 डेज, 30 में से 12 निकाल देना, क्योंकि वो दिन सवेरे तक ही शाम था, नहीं दिया हुआ है तो वो दिन हम छोड़ देते हैं, उसका नेक्स्ट दिन से हम इंटरेस्ट चालू करते हैं. तो 30 में से 12 माइनस कर दो, सुने, 30 में से 12 माइनस कर दो, आंसर आएगा 18 डेज, मतलब जून का 18, जुलाई का 31 डेज पूरा, जून का 18 डेज लेंगे, क्योंकि 30 में से 12 माइनस कर दो. समझ में आया, 30 में से 12 माइनस कर देने का,
क्योंकि 12 तारीख को ड्राइंग किया है तो उस दिन सवेरे तक की शाम तक छोड़ दो वो दिन, नेक्स्ट दिन से हम लोग इंटरेस्ट चालू करेंगे। तो जून का 18 डेज, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28, मार्च का 31, सबको टोटल करने का, टोटल चेक कर लेना आप, 18 + 31 + 31 + 30 + 31 + 31 + 31 + 28 + 31, टोटल आएगा आपको 292 डेज। ओके, एक बार पहले दिन काउंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला समझ में 292 डेज कैसे निकाला हमने, बस आगे की तरफ गिनना, जब भी कभी काउंटिंग करेंगे आगे की तरफ गिनना। ओके, ईयर एंडिंग तक गिनना, कभी तक का भी इंटरेस्ट चार्ज करो 31 मार्च तक का, तो 292 डेज होता है। तो फर्स्ट में 12th जून 2014 को जो ड्राइंग किया 1000 रुपीज, इसके ऊपर 6% पर एनम है इनटू कितना दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 292/365 डेज, आंसर आता है आपको 48 रुपीज। क्लियर ना, 48 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो 12th जून को विड्रॉ किया था 1000 रुपीज, उसका ब्याज होता है 48 रुपीज, क्योंकि तुम आउटसाइडर से लोगे तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो फॉर्म भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी आपसे 48 रुपीज। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया, चलो ट्राई करते हैं सेकंड वाला। नेक्स्ट ड्रॉइंग कब किया, 11th अगस्त 2014 को, तो 11th अगस्त का नेक्स्ट दिन से डेज काउंट करना चालू करेंगे। ओके, ध्यान देना वर्किंग। नंबर टू, ड्राइंग कब किया था, 11th अगस्त को, तो अगस्त में होते हैं 31 स्टूडेंट, अगस्त में होते हैं 31, 31 में से 11 माइनस कर दो, सुने ना, 11 छोड़ दो, 13 में से 11 छोड़ देना, तो ओके चलो काउंट करते हैं। तो अगस्त का, अगस्त में होते हैं 31, उसमें से 11 माइनस कर देना पहले आप, क्लियर ना, तो कितना बचा, 13 - 11 कर दोगे तो आंसर आएगा 20। अगस्त से गिनना चालू करेंगे, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28, मार्च का 31, टोटल करोगे तो डेज आएगा आपको 232। ओके, तो हम लोग इस पे इंटरेस्ट कितना दिन का चार्ज करेंगे, 232 डेज का। कितना विड्रॉ किया था, 500 रुपीज विड्रॉ किया था, 500 के ऊपर 6% चार्ज करेंगे, कितना दिन का, 232/365 डेज, इंटरेस्ट आएगा आपको 19.07। राउंड ऑफ करना, डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होगा तो बाजुल को बढ़ा देना, 5 से कम रहेगा तीसरा डिजिट तो इग्नोर करना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड ड्रॉइंग किया है 9th फेब 2015 को, कितना विड्रॉ किया था, 400 रुपीज विड्रॉ किया था, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितना डेज रहेगा, चलो काउंट करते हैं। 9th फेब बोला, ध्यान देना हम लोग नेक्स्ट दिन से काउंट करने के, 9 तारीख छोड़ देंगे। ओके, वर्किंग नंबर थर्ड, 9th फेब को विड्रॉ किया स्टूडेंट, तो बताओ फेब में कितना दिन होते हैं, फेब में होते हैं 28 में से 9 माइनस कर देंगे हम लोग, तो 28 में से 9 माइनस कर दो तो आंसर आएगा 19, फेब का 19 और मार्च का 31, टोटल कितने होते हैं, 50 डेज होता है, तो थर्ड वाले पे इंटरेस्ट कितना दिन का चार्ज करेंगे, 50 डेज का चार्ज करेंगे। थर्ड जो ड्राइंग किया है पार्टनर ने 400 रुपीज 9th फेब को, इसके ऊपर 50 डेज का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 50/365, आंसर आएगा आपको 3.29। ओके, लास्ट विड्रॉ कब किया स्टूडेंट, हम 7th मार्च 2015 को, तो मार्च का गिनना डायरेक्टली कर देते हैं, कितना विड्रॉ किया, 900 रुपीज विड्रॉ किया, उसके ऊपर 6% इंटू कितना दिन का, 29 आएगा, कैसे सर, मार्च में देखो, यहाँ देख लो, तभी भी एक वर्किंग कर देते हैं सब, फोर्थ मार्च में होते 31, तो 31 में से कितना माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो, तो 13 में 7 माइनस कर दो, आंसर 24, तो 24 ही आएगा, तो कितना दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 24 डेज का, तो इंटू 24/365 आपको इंटरेस्ट आएगा इसका 3.55। चारों को टोटल कर लेना, टोटल आपको आएगा 73.91। याद रहेगा इंटरेस्ट कैसे निकाला, ऑर्डिनरी सिस्टम से, ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या करने का, ऑर्डिनरी सिस्टम में अब आगे की तरफ गिनने का, देखो ये तारीख एक बार विड्रॉ किया था जून को, विड्रॉ किया था एक बार, विड्रॉ किया था अगस्त को एक बार, विड्रॉ किया था फेब को एक बार, विड्रॉ किया था मार्च को, अब आगे की तरफ गिनना। ओके, एज बिंग ऑर्डिनरी मेथड समझ में आया अच्छे से, अभी आपको सेकेंड मेथड सिखाने जा रहा हूं,
इसी क्वेश्चन को, यही इंटरेस्ट को हम लोग एडीटी के थ्रू सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एवरेज ड्यू डेट के थ्रू। अब एवरेज ड्यू डेट के थ्रू कैसे करते हैं जरा ध्यान देना। अगस्त 2014 एक ड्राइंग कब किया था, 9th फेब को, तो 9th ऑफ फेब 2014 इज द ड्यू डेट। नेक्स्ट ड्राइंग कब किया था, 7th मार्च को, तो 7th मार्च 2015। ओके, whenever partner withdraw money from the firm, due date fall on the same date। इसीलिए जो due date question में दिया है वही copy कर देना, मतलब ये तारीख को drawing किया था तो वही आपका due date है। Drawing का amount कितना, 1500, 400, 900 इतना लिख लेने का पहले। अब आपको सिखा रहा हूँ number of days कैसे करना है, product कैसे करना है। इसमें जो सबसे पहला रहेगा ना उसको बेस पकड़ने का, सबसे पहला डेट कौन सा है, 12th जून ही पहला है ना। अगर जो पहला डेट है मिडल में रहेगा तो उसी को बेस पकड़ना है, लेकिन अभी जून ही पहला आ रहा है क्योंकि जून है, अगस्त है, फेब और मार्च है, तो सबसे पहला आता है 12th जून, तो इसी को हम लोग बेस बोलते हैं, बेस डेट या जीरो डेट। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट 12th जून 2014, इसको बेस डेट भी बोलते हैं, जीरो डेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहला डेट होगा उसको बेस डेट पकड़ते हैं, ठीक है ना। 12th जून से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक गैप गिनना है आपको, तो 12th जून से लेके 12th जून तक कोई गैप नहीं, इसीलिए पहला वाला जीरो रहता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं जीरो डेट। सेकंड जीरो नहीं, अगर 12th जून से लेके 11th अगस्त तक गैप गिनना है आपको, तेरे मेरे बीच में कितना है डिफरेंस, ओके, उसके लिए हम लोग वर्किंग करते हैं। आओ वर्किंग पे ध्यान देना, देखो जून में 30 में डेज लिख के रखा हूं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक, बाद में टोटल करेंगे। अब ध्यान देना आपको कहां से गिनना, मैंने बोला 12th जून से लेके 11th अगस्त तक गिनना है। जब भी कभी दिन गिनना, एक इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूं, जब भी कभी दिन काउंट करने का, फर्स्ट दिन नहीं काउंट करना, 12th जून नहीं काउंट करने का, नॉट टू बी काउंटेड, याद से ये दिन काउंट नहीं करने का। तो जून में कितने होते हैं, 30 में से 12 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 18 डेज, सेकंड वाले का गिन रहा हूं, समझ में आ रहा है 18 कैसे लिखा सर ने, 18 कैसे लिखा समझ में आया। जून में होते हैं, बेस डेट कितना था, हमने बेस कितना पकड़ा था 12, तो 30 में से 12 माइनस कर दो, लिख दो 30 में से 12 आप हमेशा माइनस कर देना। जुलाई का लेंगे 31, अगस्त का, रुको क्वेश्चन देखो मैं क्या बोला था, मैंने क्या बोला 12th जून से लेकर 11th अगस्त तक ही काउंट करना है आपको, तो फर्स्ट दिन काउंट नहीं करने का, ये दिन काउंट करने का। फिर से बोलो 12th जून काउंट नहीं करने का, 11th अगस्त काउंट करना है। तो हम स्टूडेंट काउंट कहां तक करेंगे, 11th अगस्त तक करेंगे, तो जून का होता है 18 डेज, जुलाई का होता है 31, 11 ही काउंट करेंगे, तो 18 प्लस 31 प्लस 11 टोटल होते हैं 60 डेज। ओके, ये गैप समझ में आया, आप एक बार देख लेना वो कैलकुलेशन सर ने कैसे किया, 60 डेज। तो यहाँ कितना लिखेंगे, तो पहले में कितना लिखेंगे 60 डेज। ओके, नेक्स्ट अगला डेट क्या, 12th जून से लेके, सुनो 12th जून से लेके 9th फेब तक काउंट करना है आपको, गैप कितना है। तो जब भी कभी काउंट करोगे पहले दिन छोड़ देना, नेक्स्ट दिन काउंट करना है। ट्वेल्थ जून से काउंट करना है, तो जून के होते हैं कंफर्म 18, जुलाई के होंगे 31, अगस्त के, कभी तक काउंट करना याद है ना, 9th फेब तक काउंट करना है, 9th फेब तक का, तो ये पूरा काउंट करेंगे तो ऊपर का लिख देता हूँ सब सेम। तो जून का होता है 18, कैसे 30 माइनस 12 सेम ही रहेगा ना कैलकुलेशन, सब में सेम ही रहेगा, तो 30 में से 12 माइनस कर दो 18, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, रुको फेब का 9 तक काउंट करना है, मिला ना, फेब का 9 तक ही काउंट करना है, 9 फेब तक का, फेब का 9 तक ही काउंट करना है, देखो 9th फेब तक काउंट करना है हमको, ठीक है ना। सबका टोटल चेक कर लेना, टोटल आता है आपको 242 डेज। डे समझ में आया सर ने कैसे काउंट किया, कहां से कहां तक काउंट किया, 12th
जून से काउंट करने का, 12th of June to 9th of तक काउंट करना, तो 12 तारीख को नहीं गिनना, तो जून में होता 30 में से 12 माइनस कर दो 18 और प्लस फर्स्ट दिन काउंट नहीं करने का, लास्ट दिन काउंट करने का। ओके नेक्स्ट, तो यहाँ गैप कितना लिखो, 242 डेज का लास्ट, यहां से लेके लास्ट तक, यहां से आता गैप गिनना है, तो फर्स्ट दिन काउंट नहीं करना है, नेक्स्ट दिन काउंट करना है, अभी कभी तक करना है, 7th of March तक काउंट करना है, तो यहाँ पे होता है 18 March 7th तक गिनना है, ठीक है ना, लिख देता हूँ पहले 7, बाकी सब सेम कॉपी पेस्ट, 31 31 30 31 30 31 31 28 सब टोटल कर लो, तो टोटल आपको आएगा 268 डेज। समझ में अच्छे से, आप इसको नोट कर लेना, आप इसको नोट कर लेना, तो यहां से आता है गैप कितना है, 268 डेज का गैप है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है सर, डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, 1000 × 0 = 0, 500 × 60 करो तो आंसर आएगा 30,000, 400 × 242 करो तो इंटू करो 96,800, एंड द लास्ट 900 × 268 करो तो आंसर आएगा 241,200। ये स्टेज पे टोटल करना है, तो टोटल आएगा अमाउंट को, टोटल आएगा 1000 + 500 + 400 + 900 टोटल आएगा 2800, प्रोडक्ट का टोटल करो 30,000 + 96,800 + 241,200 टोटल आएगा 368,000। ओके अभी एडीटी का फॉर्मूला क्या है सर, एडीटी का फॉर्मूला, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, वही फॉर्मूला जो फर्स्ट वैरायटी में किया था, फर्स्ट मेथड में, सम ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ द अमाउंट, व्हाट इज द बेस डेट, इसको हम लोग बेस डेट बोलते हैं, इसको हम लोग लिख देता हूं बेस डेट या जीरो डेट, तो ये हमारा बेस डेट है, 12th June इज द बेस डेट, तो यहाँ बेस डेट कितना लिखेंगे सॉल्यूशन में, 12th June 2014 प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट निकाला ना सर ने, 368,000 डिवाइड बाय सम ऑफ द अमाउंट 2800, कैलसी में डिवाइड करो इसको, आंसर आएगा 131.43 अप्रोक्सीमेटली, इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, इसको राउंड ऑफ कर देना क्योंकि ये डेज है, तो हम एक ज्यादा लेंगे इसको, सुने ना, हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि ये डेज अमाउंट नहीं है, ये डेज है, तो हम कितना लेंगे इसको, 131.43 डेज है, हम इसको ज्यादा पकड़ेंगे तो हम कितना लेंगे, 132 डेज पकड़ेंगे इसको, क्लियर ना, अप्रोक्सीमेटली किया, राउंड ऑफ किया हमने, तो 12th June में और कितना ऐड करना है आपको, 132 डेज ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे जरा ध्यान देना, देखो इस साइड में दिखा रहा हूं, 132 डेज होते जून में होते हैं 30 डेज, जून में तो 30 में से 12 माइनस कर दो, आंसर आएगा 18 डेज, जून का 18, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, और आप टोटल चेक कर लेना, अक्टूबर का बैलेंसिंग फिगर आएगा 22, समझा, अक्टूबर 132 को ऐड करना है ना 12 जून में, तो 12 जून में 132 डेज ऐड करो तो जून का हो जाएगा 18, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 22, मतलब व्हाट इज द एवरेज ड्यू डेट आएगा 22 अक्टूबर 2014 इज द एवरेज ड्यू डेट, मतलब अगर पार्टनर 22 अक्टूबर को पूरा पैसा दे देंगे ड्राइंग का तो उनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन पार्टनर ने रियल में पूरा पैसा कब दिया, 31st March 2015 को, तो कितना दिन लेट दिया अक्टूबर से, तो उत्तर एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं ध्यान देना, पार्टनर, ये छोटा सा वर्किंग था, पार्टनर, ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिखना है, पार्टनर इज मेकिंग होल पेमेंट, पार्टनर इज मेकिंग होल पेमेंट ऑन 31st March 2015, सो ही इज मेकिंग पेमेंट लेट बाय
160 डेज. आप बोलेंगे सर 160 डेज कैसे आया, ध्यान देना. देखो कैसे निकाला 160 डेज, यहां ब्रैकेट में दिखा देता हूं. अक्टूबर में कितना दिन होता है इधर देख लो, अक्टूबर में होते हैं 31, 31 में से 22 आप निकाल दो. अक्टूबर में होते हैं 30, अक्टूबर में होते हैं 31, 31 में से 22 आप निकाल दो, तो 30 में से 22 निकालोगे तो आंसर आएगा 9 प्लस नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28 और मार्च को आप सेटल कर रहे हो 31, तो कितना दिन आप हमारा पैसा लेट दिए हो. 9 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31 आंसर आता है 160 डेज. आपने पैसा 160 डेज लेट पे किया है तो देयरफॉर फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी. देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेंगे, 2800. सर ये किधर से आया आपको, टोटल ड्राइंग कितना था, टोटल ड्राइंग कितना था 2800 ना, तो 2800 के ऊपर 6% पर एनम इनटू आपने हमारा पैसा 160 डेज लेट पे किया तो 160 डिवाइड बाय 365 डेज आंसर आता है 73.64. यही आंसर याद करो, बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन. हमने सेम क्वेश्चन को ऑर्डिनल सिस्टम सॉल्व किया था, इंटरेस्ट कितना आया था 73.91 और सेम क्वेश्चन को हम लोग एडीडी के थ्रू सॉल्व किया था, आंसर कितना है 73.64. जादू एजमिंग समझ में आया, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है बिकॉज हमने वो राउंड ऑफ किया था ना, यहाँ पर डेज हमने राउंड ऑफ किया था. ओके मैच वन आंसर एजमिंग वीडियो समझ में आया अच्छे से, वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर ऑफ द एवरेज ड्यू डेट. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लोग से शेयर करें, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आपको और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं. थैंक यू.